दिनांक 21/2/2022 को छिंदवाड़ा जिले की जनपद पंचायत मुखेड़ में जनपद अध्यक्ष श्रीमती कृति गावड़ी की अध्यक्षता में जनपद पंचायत की सामान्य सभा की बैठक संपन्न हुई, जिसमें विकास खंड के 25 जनपद सदस्यों सहित सीईओ मुखेड़ उपस्थित रहे। इसमें 2021-22 के आम बजट पर चर्चा हुई। शासन द्वारा प्राप्त 1 करोड़ रुपए का बजट का अनुमोदन बैठक में किया गया। इस संबंध में R9 भारत के संवाददाता द्वारा भाजपा मंडल अध्यक्ष एवं जनपद सदस्य सदन साहू से चर्चा की गई तथा R9 भारत द्वारा क्षेत्र के शासकीय शालाओं में चपरासियों के अभाव में स्कूल के बच्चों से साफ सफाई कराई जा रही है। संबंध में भाजपा मंडल अध्यक्ष से चर्चा की गई। जनपद पंचायत से आज जो है कितने रुपए की राशि का बजट पास किया गया और आगामी इसके लिए कार्य योजना आपकी क्या है? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा हमारी मोखड़ जनपद को करीब 1 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है, जो कि हमारे 24 जनपद सदस्य है उसमें यह राशि वितरित की जाएगी। यह राशि करीब 5 लाख के लगभग में हमें विकल्प के रूप में एक एक सदस्य को प्रस्ताव देना है, जो कि टाइड और अनटाइड जो विकल्प शासन के द्वारा निर्धारित की गए उसके लिए यह राशि प्रति सदस्य को टाइड और अनटाइड के रूप में अपने अपने क्षेत्रों में विकास के लिए देना है। आपका क्षेत्र हीरावाड़ी है जी, तो आपका पिछड़ा इलाका है, वहाँ आदिवासी बेल्ट है, तो आपके क्षेत्र में आप इस कार्य योजना से क्या कार्य कराना चाहेंगे? कार्य जो हमको राशि मिलती है तो उस राशि का हमको जहाँ ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है और जनता की डिमांड जो ज़्यादा जहाँ पे होती है उस चीज़ का हम निर्माण कार्य कराते हैं। जैसे सीसी रोड है, पक्की नाली और मेड़ बंधन, ऐसे मतलब जो भी कार्य होते हैं निर्माण कार्य पंचायत के अंदर में, और सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता की चीज़ है उसका हम निर्माण करवाते हैं। 7 वर्षों में आपके द्वारा अभी तक जो जनपद से राशि प्राप्त हुई उसमें आपने क्या क्या कार्य कराए अपने क्षेत्र में? ये पहली बार हुआ मध्य प्रदेश में जब से प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी बैठे, उन्होंने जनपद सदस्य जिला पंचायत सदस्य को राशि का प्रावधान किया। पहले जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य एक डाके के रूप में गिने जाते थे, मगर ये राशि हमारे पास में आने से हम क्षेत्र में हमारी जो क्षेत्र की जनता की हमारी ओर आशा भरी निगाहों से लोग उम्मीद रखते थे, क्योंकि हमारे पास वित्तीय आर्थिक व्यवस्था कुछ रहती नहीं थी। अब हमें 5-5 लाख रुपये काम करने के लिए क्षेत्र में काम करने का हमें मौका मिला है। हम क्षेत्र की समस्याओं और मांग के अनुरूप में निर्माण कार्य करते, चाहे वह सीसी रोड का काम हो, चाहे पाइपलाइन विस्तार का काम हो, चाहे सामुदायिक भवन हो, रंगमंच हो, तरह तरह के कार्य हम लोग बाउंड्री वाल का निर्माण हो, इस तरह के काम अपने अपने क्षेत्रों में करते हैं। अच्छा, आप यहाँ भाजपा मंडल के अध्यक्ष भी हैं। विगत दिवस में मेरे द्वारा स्कूलों का जो निरीक्षण किया गया वहाँ ये पाया गया कि बच्चे जो है झाड़ू लगा रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, तो आपके द्वारा शासन से ये मांग की जाए कि स्कूलों में चपरासी की व्यवस्था की जाए? अगर ऐसा कहीं हो रहा तो बहुत ही गलत है। नहीं, कहीं नहीं, ये आपके जनपद क्षेत्र मोखड़ में ही हो रहा है, यहाँ पे मैं खुद जाके देखा। अच्छा, नहीं नहीं, ये आपने मेरे को आपके द्वारा मुझे संज्ञान में लाया गया, मैं इसके बाबत में तत्काल इसकी सूचना संबंधित प्रधान पाठक या जो अपने संस्था के प्रमुख हैं उनसे जानकारी लूँगा। अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत गलत है और ऐसी व्यवस्था कहीं पर भी संचालित नहीं होना चाहिए। मैं इसको लेकर के संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी से चर्चा करूँगा। ये थे सदन साहू, भाजपा मंडल के अध्यक्ष और एवं जनपद सदस्य मोखेड़, और आप हैं धर्मराज, ये हीरावाड़ी के जनपद सदस्य हैं। R9 भारत से छिंदवाड़ा मोखेड़ से रशीद खान की रिपोर्ट। R9 भारत से रशीद खान छिंदवाड़ा की।